वेरी 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 स्पेशल ब्लॉग फॉर अस, क्योंकि आज है हमारे डैडी का बर्थडे एंड ये उनका फर्स्ट बर्थडे है जब हमारे साथ नहीं सेलिब्रेट कर रहे बिकॉज ही इज़ नॉट विद अस एनीमोर नाउ. बट वी प्लान मैनी थिंग्स फॉर टूडे, जैसे कि आफ्टरनून में ही लंच में डैडी का फेवरेट डिश बना दिया था मम्मी ने. एंड देन अभी मम्मी ने डैडी के लिए केक बनाया और हमने कुछ सेटअप किया है जो मतलब डैडी को फ्लावर्स से थोड़ा डेकोरेट करेंगे फोटो एंड देन हम केक काटेंगे. डैडी नहीं है तो हम काटेंगे उनके लिए केक. तो चलो फ्रेंड्स विद अस यस एंड और स्पेशल आज उनके लिए मैंने केक बनाया. उनको क्रीम वाला केक नहीं अच्छा लगता था तो मैंने उनके लिए ड्राई फ्रूट्स केक बनाया. और आज और एक स्पेशल है कि आज हम तीनों ने डैडी का ही मामा और मेरे भाई भी है तो हम पांचों ने ही आज डैडी का ही टी शर्ट पहना है तो हम वही पहनकर आज केक कट करेंगे. डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. वैसे तो वो हमेशा हमारे साथ ही है, कहीं गए नहीं है. हमें फील भी नहीं होता है कि वो कहीं गए हैं. है हमेशा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, सबके साथ. उनका आशीर्वाद भी है. होप के हमारे विशेज उनको जहाँ पर भी वो है हम तक पहुँच जाए. ये हमने डैडी का पूरा फ्लावर्स से डेकोरेट किया है एंड देन अब हम यहाँ पे केक रखेंगे, मम्मी का बनाया हुआ केक. एंड देन हम करेंगे केक कटिंग. यस सो डैडी को फ्रेगनेंस बहुत बहुत अच्छी लगती थी सो हम थोड़ा बहुत स्प्रे कर रहे डैडी के आसपास उनका फेवरेट परफ्यूम एंड ये वही लगाते थे. और तैयारी सब ही लव्स फ्रेग्रेंस तो उनको इतना पसंद है यू नो फ्रेग्रेंस और इसकी स्मेल तो उनको बहुत ज्यादा पसंद है. सो हम लोग वही स्प्रे कर रहे हैं. वो हो गया तो खुशबू में रहना बहुत पसंद था. चलिए मैं मिला दूँ अपने मामा से जिन्होंने भी डैडी का ही टी शर्ट आज पहना हुआ है और मेरा भाई उसने भी डैडी का टी शर्ट पहना. आज हम सब ने डिसाइड किया था कि आज हम डैडी का ही टी शर्ट पहनकर उनका केक कट करेंगे. और ये बीच में आते हुए शिवानी गुप्ता जिसको हर चीज़ में बीच में घुसना होता है. मामा कुछ बोलोगे? मामा कैमरा आइए. जब से मैंने शादी किया था इनसे जब से ये हम लोग के हर सुख दुख में हमेशा साथ में रहते फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अब तक और आगे भी. आज भी इसने अपना काम छोड़कर आज यहाँ पे आया है इनकी बर्थडे बनाने के लिए. वो हमेशा इनकी बर्थडे में खुद अपने पैसे से केक लाता था लेकिन आज मैंने घर पे केक बनाया है क्योंकि सब दुकानें सब बंद है केक की इसके लिए. तो आज ये आया है हमेशा की तरह हमारे साथ है. यस तो आ गए तो अब है केक की बारी जो मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है और वो है ये रहा मस्ट ड्राई फ्रूट्स और ये मैंने डेकोरेट किया है. इसको अपना डालना ही हर जगह कंट्रीब्यूशन बताना ही होता है सब पिन करके. तो माय डैडी विल बी वेरी मच प्राउड. यस यस कि मैंने ये तो चलो फिर केक कट करते हैं. रख दो यहाँ पे. हाँ रख दो. ये आ गया डैडी का केक. इतना अच्छा लग रहा है और ये डेकोरेट चलो ठीक है हनी से हो गया. ये टाइम गलती नहीं बहुत अच्छा और डैडी को ऐसा लग रहा है केक अच्छा नहीं लग रहा तो मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स का केक बनाया स्पेशली. हमने फैमिलीज को भी कॉल किया था ताकि हम वर्चुअली डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए लाइक वीडियो कॉल पे. सो सब चाचा ने बोले कि नहीं हम आ रहे रुक जाओ हम भी साथ में केक कट करके. सो वी आर वेटिंग फॉर देम. और तो सब तब तक हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत की जाए. तो हम ये बताना चाहते हैं कि आगे का मम्मी बताएंगे. तो हमारे घर में जब भी किसी का भी मेम्बर्स लोग का किसी का भी बर्थडे होता है तो हम मंदिर जाते हैं थोड़ा दान पुण्य करते हैं गरीब लोग को खाना देते हैं. तो आज इनकी बर्थडे थी तो हम लोग ने भी वही सोचा था करेंगे लेकिन मौका नहीं मिला बाहर जाने का भी नहीं मौका मिला. तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इनके नाम का गरीब लोग को खाना दे देंगे.
तो यही है कि कोरोना के वजह से हम लोग आज मतलब जैसे हम करते थे मंदिर में जाके दान देना, दिन गरीबों को कुछ देना, तो वो हुआ है, हो ही नहीं पाया। तो हमने सोचा कि ये साल का और नेक्स्ट ईयर का हम मिक्स करके नेक्स्ट ईयर हम लोग अच्छे से कुछ दिनों बाद भी कर सकते हैं। और इसके इन लोग के डैडी को हर चीज छोटी मोटी कोई भी चीज खुशी की बात है तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, एंजॉय करते थे। आज वो नहीं है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि बोल नहीं सकते हम लोग। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आज का उनका जो बर्थडे है हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, ताकि वो जहाँ से भी देख रहे हमारे डैडी तो उनको मतलब अच्छा लगे कि है वो हमारे बीच में, ये यहीं कहीं बैठे हैं, हमारे साथ ही है, ये भी हाँ यहाँ बैठे हैं, विजिबल नहीं है लेकिन उनको खुशी हो रही है, लेकिन हम फील कर सकते हैं उनको, उनको खुशी भी हो रही होगी कि चलो मेरे बर्थडे के दिन कुछ तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे ना होने के बाद भी। तो हम हर चीज़ ऐसे ही वो नहीं है लेकिन उनको मौजूद कर कर कि हमारे साथ ऐसा ही करके हर त्यौहार हर छोटी सी छोटी खुशी भी हम कोशिश करेंगे। डैडी ने तो हमें यही सिखाया हमेशा कि हर छोटी चीज़ भले वो कुछ भी हो, भले वो एग्ज़ाम का रिजल्ट हो या टेस्ट का रिजल्ट हो या किसी का बर्थडे हो या कुछ भी हो, वो हमें बहुत लाइक अच्छे से ही सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि वो मोटिवेशन मिले एक कि हाँ नेक्स्ट टाइम और अच्छे से चीज़ करनी है। तो बस वही सब मेमोरीज डैडी की याद आती है अभी, एक एक आज पूरे दिन में हम वही सब एक एक मेमोरीज जो हमने इतने सालों से डैडी के साथ की मेमोरीज है वही सब एक एक करके डैडी की रिकलेक्ट हो रही थी। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अगर ज़िंदगी में बड़ी खुशी नहीं मना सकते, छोटी छोटी सी खुशियां भी हो बनाना तो बनाइए, अपनी फैमिली के साथ रहिए क्योंकि फैमिली ज़रूरी होती है सब बातों। हमने तो डैडी के साथ बहुत मेमोरीज बहुत सारी मेमोरीज है हमारी, क्योंकि हमारे डैडी 24 आवर्स हमारे साथ ही रहते थे हमेशा, सुबह से उठना देन दिन रात में सोने तक। हमने इतनी मेमोरीज ये कर लिए डैडी के साथ कि मतलब हर एक बात याद आती रहती है कि हाँ ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ये करते थे, वो करते थे। इसी के वजह से बेटा ऐसा नहीं लग रहा है कि वो नहीं है, नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, बस यही छोटा सा मैसेज है सबको, हम सबकी तरफ से कि अगर कोई है पर्सन हमारे साथ तो उनकी वैल्यू करो और अच्छे से रहो, मिल बांट के रहो और फैमिली के साथ अच्छे से रहो, बस दैट्स इट। तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे चाचा का, जब सब आ जाएंगे तो हम केक कट करेंगे, तो मिलते हैं तभी आपसे। अच्छा अभी आ गए किसी ने नहीं देखा क्या बोला क्या बोला तो ये इंसान कुछ भी बोलता है और बाद में बोलता है डिलीट करना। ये वाला जो इसने अभी कैमरे में बोला है वो मैं रखूंगी और मैं भी देखती बाद में क्या बोला है इसने। क्या बोला था? जय हिंद। सो गाइस पूरी फैमिली आ चुकी है, जैसे आप देख सकते हो चाचा आ गए और अब केक कट कर रहे हैं। Happy birthday to you, happy birthday dear Sally, happy birthday to you. Yeah.
अभी अरुण ने खिला दिया तुमको। ऐसा कोई दिन नहीं तू याद ना आए, ऐसा कोई दिन नहीं। मेरा मैसेज है, मेरा भाई, मेरा जीजा, मेरे लिए सब कुछ। मैंने बहुत बनाया गर्मी में, कलिंदर का टूटी फ्रूटी और छील। डैडी के लिए कुछ बोलो, मैसेज बोलो। हैप्पी बर्थडे संजू। आप बोलो कुछ संजू। तो आप खुश रहो, जिधर भी रहो खूब राजा बन के रहना। हैप्पी बर्थडे। हमारा व्लॉग यहाँ पर एंड होता है एंड बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सेलिब्रेट किया और जैसे डैडी को चाहिए था तो हमेशा सब साथ में, वैसे ही आज कोइंसिडेंटली कुछ प्लान ही नहीं था, सब आ गए अच्छे से साथ में और सब अच्छे से सेलिब्रेट भी हो गया और अब हम सब बैठ के साथ में डिनर करेंगे, जो कि हमेशा मेरे डैडी को लाइक फेस्टिवल्स में या कोई भी स्पेशल इवेंट में ऐसा लगता ही था कि नहीं सब साथ होने चाहिए, पूरा फैमिली, उनको उनका पूरा फैमिली हमेशा साथ चाहिए होता था। तो आज फाइनली सब साथ में है, सिर्फ बुआ को हम मिस कर रहे हैं, बुआ नहीं है। हाँ, और एक मामा है हमारे, वो भी नहीं है। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय एंड प्रे फॉर आवर डैड। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।